नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मूल्यांकन। स्विट्जरलैंड अपन पढ़ रहे थे और स्विट्जरलैंड में अपने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तरीके पिछली क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं। जनमत संग्रह, आरंभक, लोकसभाएँ, प्रत्यावर्तन अपन देख चुके हैं। इसके पश्चात अपन करते हैं इस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मूल्यांकन कि स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चल रहा है उसके क्या फायदे हैं, क्या उसके नुकसान, अर्थात क्या आलोचना की जा रही है। मूल्यांकन में अपन दोनों पक्ष देखेंगे, पक्ष भी देखेंगे और विपक्ष भी देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका पक्ष, अर्थात प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तरीके अपनाने से क्या फायदे हैं, वहाँ इसकी क्या लाभ उन्हें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स देखेंगे, इसके पक्ष में तर्क देखेंगे। सबसे पहला तर्क ये दिया जाता है कि जन इच्छा को जानने के ये सर्वोत्तम साधन है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तरीकों के माध्यम से जनता की इच्छाओं का पता लगाया जा सकता है। सरकार को जनता की इच्छा पता लग जाती है कि जनता क्या चाहती है और सरकार उसके अनुसार ही अपना कार्य संचालित कर सकती है, अपनी नीतियां बना सकती है। तो जनता की इच्छा को जानने के सर्वोत्तम साधन होते हैं, सर्वोत्तम तरीके होते हैं। नंबर दूसरा है कि ये लोकतंत्र के शुद्ध रूप हैं, अर्थात लोकतंत्र की जो अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के हित में साधन, जनता के हित में शासन होता है। तो इनके माध्यम से लोकतंत्र वास्तव में व्यवहारिक रूप में आता है और जनता इसका इस्तेमाल करती है। सबसे बड़ी जो बात है कि अंतिम प्रभु सत्ता जनता के पास होती है और जनता व्यवहार में इन तरीकों के माध्यम से अपनी प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। तो लोकतंत्र के ये शुद्ध रूप है, जनता के द्वारा शासन कार्य किया जाता है और जनता अपनी शक्ति, अंतिम प्रभु सत्ता शक्ति का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है विधायी त्रुटियों का उपचार, अर्थात इनके माध्यम से कानून निर्माण में अगर कोई कमियां रह जाती है, कोई गलतियां रह जाती है, तो उन कमियों को दूर किया जा सकता है इन तरीकों के माध्यम से। मान लीजिए व्यवस्थापिका ने कोई कानून बना दिया, जल्दबाजी में बना दिया, तो जनता के पास अधिकार होने से उनको सुधारा जा सकता है, उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर आता है कि सरकार जो है सत्ता के उत्तरदायी रहती है, क्योंकि इन तरीकों के माध्यम से सरकार हमेशा जागरूक रहती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि सरकार को पता रहता है कि अगर मैंने गलत किया तो जनता उसे रिजेक्ट कर देगी, और अगर मैं जनता की इच्छा के अनुसार शासन का कार्य नहीं करते हैं सरकार, तो जनता उसे बाध्य कर सकती है ऐसा करने के लिए। तो सरकार हमेशा सतर्क रहेगी, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट आता है कि नागरिक जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, चूँकि जनता इन साधनों के माध्यम से राजनीति से जुड़ी होती है, राजनीतिक क्रियाकलाप स्वयं करती है, जनमत संग्रह में भाग लेती है, आरंभक में भाग लेती है, तो जनता को एक तरह से राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है, राजनीतिक प्रशिक्षण भी मिलता है और जनता भी राजनीतिक समझ, जनता की राजनीतिक समझ में भी वृद्धि होती है। इसी तरह आता है कि नागरिकों में स्वाभिमान और अपनत्व या स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, अर्थात जब जनता शासन के कार्यों में स्वयं भाग लेती है और वो खुद शासन सरकार का निर्माण करती है, खुद नीतियां बनाती है, खुद उन्हें स्वीकार या स्वीकार करती है, तो जनता में एक तरह से स्वाभिमान, अपनत्व और स्वावलंबन की भावना पैदा होती है और वो रुचि लेकर अपना कार्य करती है और शासन को अच्छा सा अच्छा करने का प्रयास करती है। इसी तरह ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर प्रतिबंध रहता है इसमें, अर्थात व्यवस्थापिका मनमानी नहीं कर सकती है, क्योंकि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए गलत कानूनों को जनता अस्वीकार कर सकती है, तो व्यवस्थापिका भी निरंकुश नहीं रहती, उस पर प्रतिबंध रहता है। इसी तरह राजनीतिक दलों के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। देखिए स्विट्जरलैंड में दलीय दोषों से मुक्त है शासन व्यवस्था, क्योंकि दल वहाँ संगठित नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। जनता को अधिकार मिलने की वजह से जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वो जनता स्वयं करती है। राजनीतिक दलों के जो दोष आ जाते हैं, दलीय दृष्टिकोण से जो कार्य किया जाता है उससे मुक्ति मिल जाती है और जनता सामाजिक हित के आधार पर अपना निर्णय लेती है, तो दलीय दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह कानून का पालन सरल हो जाता है। कानून का पालन सरल इसलिए हो जाता है क्योंकि जनता ने स्वयं ही कानून बनाया है, तो उस कानून को एक नैतिक बल मिल जाता है और जनता उस कानून का पालन आसानी से करती है, तो कानून जो बनेगा उसका पालन भी सुनिश्चित होता है वहाँ पर।
इन तरीकों की वजह से। इसी तरह संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद नहीं होता है यहाँ पर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आपस में मतभेद नहीं करते हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय तो जनता को करना पड़ता है, इसलिए वो एक के द्वारा बनाए गए कानून को दूसरा रिजेक्ट करना या इस तरह की भावना उनके अंदर पैदा ही नहीं होती, क्योंकि अंतिम शक्ति जनता के पास है। तो संसद के जो दोनों सदन है संघीय संसद के, वो आसानी से काम करते हैं, उनमें कोई मतभेद मनमुटाव भी नहीं होता है। और एक और है कि इसमें राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। राजनीतिक स्थिरता इसलिए बनी रहती है क्योंकि जनता को कोई परिवर्तन करने के लिए, कोई आवश्यक कानून बनाने के लिए कोई क्रांति नहीं करनी पड़ती है, कोई उपद्रव नहीं करने पड़ते हैं। जनता अपने आरंभक के माध्यम से कानून बना सकती है और जनमत संग्रह के माध्यम से उसे स्वीकार कर सकती है, पुष्टि कर सकती है और प्रतिनिधियों को रिकॉल भी कर सकती है सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो। राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, जनता को इसके लिए कोई उपद्रव, कोई हिंसा या कोई क्रांति का सहारा नहीं लेना पड़ता है। इस तरह प्रजातंत्र जो है उसमें ये बेनिफिट होते हैं उनको, इसलिए ये तरीके अपनाए गए हैं और वहाँ सफलतापूर्वक चल रहे हैं और ये लाभ उसको मिलता है। अब अपन देखते हैं इसका विपक्ष देखते हैं। देखिए दूसरी तरफ आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो तरीके अपनाए गए हैं उनकी बहुत सारी कमियां या आलोचना भी की जाती है। अर्थात अपन यूँ कहें कि विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। तो अब अपन देखते हैं इसका विपक्ष और विपक्ष में ये तरीके अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अर्थात विपक्ष में क्या बात कही जाती है, डीमेरिट्स क्या है इसके, आलोचना क्या की जाती है। सबसे पहले आलोचना की जाती है कि व्यवस्थापिका का जो महत्व है वो गौण हो जाता है इसमें। अर्थात सबसे बड़ा जो दोष आता है यहाँ पर वो यही आता है कि व्यवस्थापिका की वैल्यू गिर जाती है, उसका महत्व गौण हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए सारे कानून जनता के पास अंतिम शक्ति के लिए जाते हैं, जनता जनमत संग्रह से पुष्टि करती है, संविधान संशोधन को अंतिम पुष्टि करती है, तो उसके महत्व कम हो जाता है व्यवस्थापिका का। नंबर दूसरा जो कार्य आता है वो जो आती है आलोचना वो होता है विलम्ब होता है। शासन कार्य में अनावश्यक विलंब होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई कानून बनाया और 3 महीने तक 90 दिन तक तो उसको वो जनमत संग्रह की मांग कर सकती है, फिर जनमत संग्रह कराया जाएगा, फिर उसकी पुष्टि होगी, तो अनावश्यक विलंब होता है, ये भी आरोप लगाया जाता है, ये भी एक आलोचना की जाती है। इसी तरह आता है कि खर्चीली है, ये जो तरीके हैं वो खर्चीले हैं, इसमें समय और धन दोनों का ही अपव्यय होता है। बार बार जनमत संग्रह कराना, बार बार उसकी पुष्टि कराना, ये भी एक खर्चीला तरीका है, अपव्यय होता है, खर्च होता है अनावश्यक पैसा, तो ये भी एक आरोप लगाया जाता है। फिर आता शक्ति और दायित्व के समन्वय का अभाव होता है। देखिए ये होता है जिसके पास दायित्व होता है उसी के पास शक्ति भी होती है, दोनों में समन्वय होना चाहिए, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अंतिम शक्ति तो जनता को दे दी और दायित्व जो है उसके पास नहीं है, दायित्व शासन को या सरकार को दे दिए, तो सरकार के पास दायित्व है उसके पास शक्ति नहीं है, और जनता के पास शक्ति है उसके पास दायित्व नहीं है, तो ये भी एक आरोप लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट ये कहा जाता है कि नकारात्मक अभिव्यक्ति होती है इसमें। नकारात्मक अभिव्यक्ति इस अर्थ में होती है कि जनता के पास जब कोई जाता है स्वीकार करने के लिए जनमत संग्रह के लिए, तो वो हाँ या ना में देती है। किसी भी कानून में 2 बातें अच्छी है और 1 बात अगर ख़राब है, तो उस 1 को रिजेक्ट करके 2 को स्वीकार करने वाली व्यवस्था वहाँ नहीं है। नकारात्मक अभिव्यक्ति पूरे के पूरे को हाँ या ना में दिया जाता है, तो ये भी एक कमी बताई जाती है, आलोचक की जाती है आलोचना। फिर आता है कानून निर्माण कार्य जटिल है और जनता में इस तरह की समझ नहीं होती कि वो इस तरह के जटिल कार्य को आसानी से कर सके, तो कानून निर्माण की जटिलता और जनता में इसकी समझ की कमी का भी आरोप लगाया जाता है और अच्छे कानून नहीं बनाए जा सकते, ये भी कहा जाता है। इसी तरह प्रगतिशील विधियों में बाधक है, ये भी आरोप लगाया जाता है कि ये प्रगतिशील कानून में बाधा उपस्थित करते हैं। सरकार तो प्रगतिशील कानून बनाना चाहती है, संसद तो नए नए कानून लेना चाहती है, लेकिन जनता उसे रिजेक्ट कर देती है, तो ये भी एक आरोप लगाया जाता है। इसी तरह ये आता है कि योग्य व्यक्तियों को हतोत्साहित होते हैं योग्य व्यक्ति हतोत्साहित क्यों होते हैं? देखिए वो इस रूप में हतोत्साहित होते हैं कि व्यवस्थापिका का महत्व गौण हो गया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तरीकों की वजह से, तो जो भी योग्य व्यक्ति है वो व्यवस्थापिका में जाना पसंद नहीं करता है, इसलिए हतोत्साहित होते हैं, राजनीति में नहीं आना चाहते, व्यवस्थापिका में नहीं आना चाहते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जनता की उदासीनता भी हो जाती है, बार बार मत
दान होता है, जनमत संग्रह होता है, तो ये भी कहा जाता है कि जनता बार बार मतदान करने से तंग आ चुकी होती है, इसलिए वो उदासीन हो जाती है और उसको रुचि नहीं लेकर वो कार्य करती है, तो ये भी एक आरोप लगाया जाता है। और एक ये भी कहा जाता है लास्ट कि ये जो व्यवस्था है बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त है। स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है इसलिए वहाँ चल सकती है, सभी देश जो या जो अन्य देश हैं जहाँ बड़े हैं जनसंख्या में क्षेत्रफल में, वहाँ इसको नहीं अपनाया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक प्रजातंत्र के विपक्ष में ये तर्क दिए जाते हैं। तो अब हमने पक्ष और विपक्ष दोनों देखा, अब हम ये डिसाइड करेंगे, ये निष्कर्ष निकालेंगे कि स्विट्जरलैंड में फिर ये क्यों चला आ रहा है। देखिए, आलोचनाओं के बावजूद, विपक्ष के बावजूद भी स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है, और इसके पीछे जो कारण है मुख्य रूप से, जो इस तरह से इसकी सफलता के तर्क जो दे सकते हैं अपन, या सफलता के जो कारण हैं वो ये कह सकते हैं। सबसे पहला कारण अपन ये कह सकते हैं कि जन संप्रभुता को बनाए रखने की जनता की आकांक्षा है। जनता अपनी संप्रभुता को बनाए रखती है क्योंकि इनके माध्यम से ही वो अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल कर सकती है, तो जनता की ये इच्छा है कि वो अपनी संप्रभुता स्वयं इस्तेमाल करे। इसी तरह जनता का जो चरित्र है, जो सहिष्णुता की भावना है, वो भी इसके अनुकूल है। स्विट्जरलैंड की जनता न केवल शिक्षित है बल्कि वो जागरूक है, राजनीतिक समझ रखती है, विभिन्न जाति धर्म भाषा होने के बावजूद भी सहिष्णु है, समझदार है और व्यवहारिक रूप से कार्य करने में विश्वास करते हैं, तो जनता का चरित्र भी इसके अनुकूल है। इसी तरह अगर अपन ये कहें उसकी भौगोलिक स्थिति है, स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, आकार में कम है, जनसंख्या सीमित है, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होने की वजह से सुरक्षा भी है, तो उसका जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी उसके अनुकूल है। इसी तरह विविधता में एकता है, जाति धर्म भाषा की विविधता होने के बावजूद भी एकता है, इसलिए कोई मतभेद इस तरह का नहीं आता। गंभीर आर्थिक विषमताओं का वहाँ अभाव पाया जाता है, मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा है, तो अत्यधिक धनी भी नहीं है, अत्यधिक गरीब भी नहीं है। इसी तरह सुदृढ़ और संगठित राजनीतिक दलों का वहाँ अभाव है, इसलिए दलीय दृष्टिकोण वहाँ नहीं आ पाता है। शिक्षा का व्यापक प्रसार है, जनता शिक्षित है इसलिए वो समझ भी रखती है। स्वतंत्र प्रेस है, वहाँ पर सही चीज जानकारी जनता तक दी जाती है। जनता को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो उसे बनाए रखना चाहती है, इसलिए वो ये तरीकों में को बनाए रखना चाहती है। व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का वहाँ अभाव है, लोग सेवा भावना के रूप में राजनीति में आते हैं, पैसे या व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए अनर्गल बातें वहाँ नहीं पाई जाती, अब जनता को भ्रमित नहीं किया जाता है। स्थायी तटस्थता वहाँ पे लिया हुआ है स्विट्जरलैंड ने, तो सुरक्षा जैसे मुद्दे भी नहीं आते हैं, इस कारण भी वो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक प्रजातंत्र का निरंतर प्रयोग करते रहने से, इतिहास में वो शुरू से चले आने की वजह से वहाँ की जनता इसमें अभ्यस्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, और स्विट्जरलैंड में ये तरीके बहुत अच्छी तरह से संचालित किए जा रहे हैं, इसलिए वहाँ ये चल रहे हैं। धन्यवाद।